वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस गिवन टू अस हेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस इज गिवन टू यू ऑल फंक्शंस लिस्टेड हेयर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट एस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैथ्स के एक फंक्शन को टेकअप करेंगे दैट इज सम प्रोडक्ट फंक्शन इस सम प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस इज पार्ट थ्री इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर मैं सम प्रोडक्ट के साथ साथ एवरेज और रैंक फंक्शन को भी टेकअप करूंगा आइएगा मूव करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन की प्रॉब्लम के ऊपर इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमने जनरेट कर दिया सो एज टू सेव टाइम इससे पहले कि हम इस स्ट्रक्चर की बात करें सम प्रोडक्ट फंक्शन के पर्पस को देखते हैं इट रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेंजेस आर एरे सम प्रोडक्ट के फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्गूमेंट है एरे वन दैट इज मैंडेटरी कंपल्सरी इसके बाद एरे टू एरे थ्री दीज आर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स सो फंक्शन के मीनिंग और सिंटेक्स को डिफाइन करने के बाद अब मैं एक्चुअल प्रॉब्लम पर आता हूं इस एक्सेल शीट के अंदर हमें यह प्रॉब्लम दी गई है डेली यूनिवर्सिटी टेक्स इन टू अकाउंट फोर कंपोनेंट्स फॉर दी परिजल्ट स्टूडेंट्स ये फोर कंपोनेंट्स कौन से हैं एग्जाम के अंदर स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं क्लास टेस्ट में असाइनमेंट के अंदर और अटेंडेंस के अंदर इन चारों चीजों को डेली यूनिवर्सिटी 75 फाइव परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट और 5 परसेंट की वेटेज देती है स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे को इस जगह के ऊपर दिए गए हैं इन चारों कंपोनेंट्स के अंदर हमें इसके बेस के ऊपर कैलकुलेट करना है कैलकुलेट सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज अलोंग विद देयर रैंकिंग सो स्टूडेंट अब मैं सबसे पहले सिंपल एवरेज को टेकअप करूंगा उसकी रैंकिंग निकालूंगा फिर वेटेड एवरेज को टेकअप करेंगे और फिर वेटेड एवरेज से उसकी रैंकिंग को हम चेक करेंगे लास्ट के अंदर हम एक्सेल के फंक्शन के थ्रू वेटेड एवरेज को निकालेंगे सो आई स्टार्ट विथ सिंपल एवरेज इस सिंपल एवरेज को लेने के लिए मैं एक छोटे से फॉर्मूले को टेकअप कर रहा हूँ पेरेंथिस प्लस ई सिक्स प्लस एफ सिक्स पेरेन्थीसिस क्लोज डिवाइड बाय फोर आई प्रेस एंटर जैसे मैंने एंटर प्रेस किया स्टूडेंट वन की मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट की एवरेज आ गई 67.50 मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास सभी स्टूडेंट का सिंपल एवरेज के अंदर उनका रिजल्ट आ गया जिस फॉर्मूले को यहां पर यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ अब मुझे इनकी रैंकिंग को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मैं रैंक के फंक्शन को टेकअप करूंगा रैंक इस नंबर की क्या रैंकिंग है विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर एच सिक्स इसको किस रेफरेंस में देखना है इसकी रैंकिंग को आप कहां पर चेक करना चाहते हैं मैं इसकी रैंकिंग को इस एरे के अंदर चेक करना चाहता हूँ स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखेंगे किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालने के लिए ये एरे तो चेंज होगा नहीं सो so, मैं इसको F4 फोर प्रेस करके लॉक कर देता हूँ कॉमा ऑर्डर मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चाहिए घटते हुए क्रम के अंदर चाहिए तो मैंने यहाँ पर जीरो दे दिया आई क्लोज पेरेंथेसिस आई प्रेस एंटर जैसी मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट की रैंकिंग आ गई सेवन फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास सभी स्टूडेंट की रैंकिंग यहाँ पर आ गई मैंने ये रैंक के फंक्शन को कॉपी किया और ये मैं नीचे आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ अब मुझे वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करना है दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथिस स्टार्ट स्टूडेंट वन के एग्जाम के अंदर मार्क्स दैट इज सेवेंटी इट इज गिवन टू असिन सेल नंबर सी सिक्स इसको हमने कितनी वेटेज देनी है इसको हमने 75 परसेंट वेटेज देनी है सो so, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 75 परसेंट के साथ स्टूडेंट ये परसेंटेज वेटेज की किसी भी स्टूडेंट के लिए चेंज नहीं होगी इट मीन हमें इस पर्टिकुलर वेटेज की परसेंटेज को फिक्स करना है इसके लिए मैं एफ फोर को यहां पर प्रेस कर रहा हूं प्लस क्लास टेस्ट के अंदर मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वेटेज अगेन आई प्रेस एफ फोर टू लॉक इट प्लस असाइनमेंट के अंदर मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परसेंटेज अगेन आई प्रेस एफ फोर प्लस अटेंडेंस के अंदर मार्क्स सेवेंटी मल्टीप्लाइड बाय फाइव परसेंट अगेन आई प्रेस एफ फोर पेरेंथिस क्लोस ये मैंने इनको वेटेज के साथ मल्टीप्लाई किया था और मैं अगर वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वेटेज से टोटल वेटेज हमारे पास यहाँ पर हंड्रेड आ रही है हंड्रेड के लिए मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूँ वन से आई प्रेस सेंट्रा मेरे पास स्टूडेंट वन की वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली मार्क्स 69% परसेंट आ गए मैंने इसको नीचे फिल हैंडल की मदद से ड्रैग डाउन कर दिया तो सभी स्टूडेंट के वेटेड एवरेज मार्क्स निकल कर आ गए अब मैं इनकी रैंकिंग चाहता हूं तो मैं यहां पर रैंक के फंक्शन को रैंकअप करूंगा रैंक। रैंक की केस के इस की क्या रैंकिंग है कॉमा इसकी रैंकिंग को कहां पर देखा जाए इसकी रैंकिंग को इस एरे के अंदर देखो क्योंकि यह एरे किसी भी स्टूडेंट के लिए चेंज नहीं होगा सो मैं इस एरे को F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूं कॉमा मुझे किस ऑर्डर के अंदर रिजल्ट चाहिए मुझे रैंकिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर दो तो एक्सेल ने जीरो को प्लेस कर दिया पेरेंथ क्लोज आई प्रेस एंटर स्टूडेंट आप देखिएगा स्टूडेंट नंबर वन की सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंगली रैंकिंग सेवन थी जबकि वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली उसकी रैंकिंग सिक्स है मैं इसको नीचे डाउन करता हूँ सी द सेकेंड स्टूडेंट रिजल्ट सेकेंड स्टूडेंट की सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंगली रैंकिंग फर्स्ट थी लेकिन वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली उसकी रैंकिंग थर्ड पोजीशन पर है मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया मेरे पास सभी स्टूडेंट की रैंकिंग यहां पर आ गई हमने वेटेड एवरेज को निकालने के लिए जिस फॉर्मूले को टेकअप किया था वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं रैंकिंग के फंक्शन के अंदर हमने रैंक के जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपको नीचे दे रहा हूं अब स्टूडेंट जो रिजल्ट हमने वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू निकाला है जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया यही चीज मैं एक्सेल के फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करना चाहता हूं, और एक्सेल के अंदर इसका फंक्शन है सम प्रोडक्ट मैंने ये सम प्रोडक्ट के फंक्शन को यहां पर लिख दिया पेरेंथिस स्टार्ट फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे वन एरे वन के केस के अंदर दिस इज माय कंप्लीट एरे वन सी थ्री टू एफ थ्री क्योंकि ये एरे किसी भी स्टूडेंट के लिए चेंज नहीं होगा इसकी रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए तो मैं F4 को प्रेस करके इस एरे को लॉक कर रहा हूँ कॉम इसके बाद मुझे एरे टू एरे टू के अंदर स्टूडेंट वन के कंप्लीट मार्क्स दे दो नेक्स्ट टाइम ये नीचे वाली रो जाएगी, इट मीन्स ये रेफरेंस तो चेंज होगा सो so, मैं इस केस के अंदर इनको एफ फोर प्रेस करके लॉक नहीं करूँगा आई क्लोज पेरेंथेसिस आई प्रेस एंटर जैसे मैंने एंटरप्रेस किया मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट के एक्सेल के थ्रू वेटेड एवरेज मार्क्स आ गए परसेंट मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ आप नोट करेंगे जो वेटेड एवरेज मार्क्स हमने इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट के किए वही एक्सेल ने हमें यहाँ पर मार्क्स दे दिए एक्सेल के इस फंक्शन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया हमने जिस एक्सेल के फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ सो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सिंपल एवरेज को कैलकुलेट किया विच इज़ अ पुअर मेथड ऑफ रैंकिंग अगर इस तरह की प्रॉब्लम है जहाँ पर हमने डिफरेंट वेटेज दिए हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स को इन दैट केस द बेटर सॉल्यूशन इज गो फॉर वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज ने हमें डिफरेंट रैंकिंग को दिया एंड दिस रैंकिंग इज एक्सेप्टेबल इन द प्रकल वर्ल्ड हमने फिर वेटेड एवरेज के रिजल्ट को एक्सेल के फंक्शन सम प्रोडक्ट के थ्रू भी वेरीफाई करके देखा देन वी गॉट दी सेम आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको ये सारी चीजें समझने में बहुत हेल्प करेगा थैंक यू वेरी मच